हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा मधु की रसोई। तो फ्रेंड्स, आज है फादर्स डे और मुझे भी फादर्स डे स्पेशल के लिए काफ़ी सारे केक ऑर्डर आए। धीरे धीरे सबको अपलोड करूंगी चैनल पर, बट अभी जो मैं बनाने जा रही हूँ ना, वो स्काई ब्लू और नेवी ब्लू के कॉम्बिनेशन में गजब का इफेक्ट देंगे, वो भी बिना किसी तामझाम के स्टार नोजल की मदद से। और आज मैं एक सुपर डुपर ट्रिक आपको बताऊंगी, जिससे कि आप कभी भी अपना केक का जो डिज़ाइन कर रहे हैं ना, वो झटपट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ना केक का ऑर्डर है फ्रेंड्स, आधा केजी का वनीला फ्लेवर का। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ट्रोपोलाइट कंपनी का लगभग 1.5 कप, यानी कि वजन देखे ना तो 180 ग्राम लूंगी प्रीमिक्स। प्रीमिक्स वो चीज़ होती है फ्रेंड्स, जिसमें सब कुछ ऑलरेडी पहले ही मिला होता है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, मिल्क पाउडर, मैदा, बस हमें ऑयल और पानी डालना होता है। बहुत सारे मेरे नए व्यूअर्स जुड़ते हैं और वो लगातार कमेंट करते हैं कि आपने तो उसमें कुछ भी नहीं डाला, आपका केक कैसे फूल। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए, धीरे धीरे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर बैटर हमारा बन गया है, लगभग 3/4 कप मैंने इसमें पानी डाला है। और अब मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून डाल रही हूँ ऑयल और साथ ही कुछ बूंदे वनीला फ्लेवर की। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, वनीला फ्लेवर दो तरीके का आता है, एक ट्रांसपेरेंट क्लियर वनीला फ्लेवर और एक आता है थोड़ा सा ब्राउन कलर का। तो जो भी आपको मिले आप डाल सकते हैं। अब इसको बेक करने के लिए मैंने ये 6 इंची का बर्तन लिया है और इसके अंदर सेट कर दिया है ऑडी का इको बेक बेकिंग पेपर। और अब तैयार सारा बैटर हम इसमें डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, आज फादर्स डे के लिए ना मुझे ये केक देना था टाइम से, लगभग 10-11 बजे, बट उसी के साथ मुझे काफ़ी सारे ऑर्डर और भी आ गए। तो मैंने क्या किया, शाम को ही ये सारे स्पॉन्ज बना लिए ताकि सुबह मैं फटाफट से अपने काम कर सकूँ। तो यहाँ पर देखिए ओटीजी प्रीहीट हो लिया है और अब इसको हम टैप कर लेंगे बर्तन में जो बैटर डाला है और फिर इसको अपने ओटीजी के अंदर रखेंगे। तो इसको बनाने के बाद जैसे ही फ्रेंड्स मैं रिलैक्स होकर बैठी, क्योंकि तब तक मुझे केक के ऑर्डर नहीं आए थे, तब उसके बाद जो केक के ऑर्डर आए धबाधब, मैंने इस गरम ओटीजी का फायदा उठा करके इसमें लगभग 4 स्पॉन्जेस बनाए। और फिर उसके बाद मैंने मॉर्निंग में उठ करके इनकी डेकोरेशन करी। यहाँ देखिए आज क्या हुआ है, केक के बैटर बना रही थी दूसरे केक्स के, तो ये जो रखा था भाई साहब भूल गई टाइम देना और लगभग 30 मिनट ये चला गया और इससे ये थोड़ा सा ब्राउन हो गया है। ये जला नहीं है, बस हल्का सा डार्क ब्राउन हो गया है, बट वनीला फ्लेवर में ये वाला ब्राउन कलर का जो टेस्ट आता है ना, वो काफ़ी अच्छा आता है। तो ज़्यादा बेक हो गया है तो देखिए डोम शेप बिल्कुल ही नहीं आई है। अब इसके ऊपर की लेयर को हम रिमूव कर देते हैं। ये देखिए बिल्कुल पतली ही हटाई है मैंने और बाकी के केक की कर लेंगे पतली पतली 3 लेयर कट। तो जब भी आपके संग भी ऐसी सिचुएशन हो जाए ना कि केक आपका ओवर बेक हो जाए, लेयर कट करने में दिक्कत दे रही है, क्योंकि जब केक बेक हो जाता है ना ज़्यादा, तो उसके चूरा ज़्यादा निकलता है, तो वो दिक्कत आए तो हमेशा धागे से ही केक को कट करें, जैसे मैं अभी कर रही हूँ। इससे आपकी लेयर एकदम पतली पतली कटेंगी और इस तरीके से आप अपने केक की आइसिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जो मेरी हालत देख रहे हैं ना, कि मैं नहा करके ही निकली थी और अपना मतलब थोड़ा बहुत जो सुबह का किचन का काम निपटा करके स्पॉन्जेस मैंने जो रात में ही बना लिए थे, उसी से आगे का काम करना स्टार्ट किया। काफ़ी हेल्प हो गई रात में काम करने से। और यहाँ पर फिर मैंने ली अपनी क्रीम और मुझे बनाने थे लगभग 3-4 केक, तो एक साथ ही मैंने लगभग 600-700 ml क्रीम अपने स्टैंड मिक्सर में डाल करके ना विप होने रख दी थी। और दबा दब उसके बाद तो मैं जो लगी, अभी आगे आने वाली वीडियोस में आपको बहुत नई नई डेकोरेशन देखने को मिलेंगी, बट ये वीडियो तो मैंने अभी सुबह ही शूट की है, फटाफट से इसकी एडिटिंग कर रही हूँ। अभी लंच भी नहीं बनाया मेरे घर में और मैं सोच रही हूँ इसकी जल्दी से एडिटिंग कर दूँ, क्योंकि यूट्यूब पर वीडियो अपलोड होने में भी टाइम लगता है। जो लोग यूट्यूबर हैं मेरे चैनल पर जुड़े, उन्हें पता है कि एक्सपोर्ट करने में, वीडियो को पब्लिश होने में और वीडियो की प्रोसेसिंग होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो बस मेरी फिंगर क्रॉस है कि ये वीडियो आपको टाइमली मिल जाए, ताकि आप ये बढ़िया सी डेकोरेशन जो है आज फादर्स डे पर ट्राई कर सकें। तो क्रीम विप मेरी होने मैंने रख दी है, वो हो भी रही है, तब तक हम आगे का काम करते हैं। तो मैंने रख दी है टर्न टेबल पर 1 लेयर, और क्योंकि केक हमारा ओवर बेक हो गया है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा बेक हो गया है, तो ये हो सकता है ड्राई हो जाए, तो इसको अच्छे से मॉइस्ट करेंगे चीनी और पानी के मिक्सचर से। और मॉइस्ट करने के बाद फिर इस पर अप्लाई करेंगे क्रीम, तो कोई चांस ही नहीं रहेगा कि हमारे केक में कुछ भी गड़बड़ हो। बढ़िया से इसे स्प्रेड कर लेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट केक बोर्ड के ऊपर भी ये काम कर सकते हैं, बट ऐसे करेंगे ना और केक को शिफ्ट करेंगे बोर्ड पर, तो सफाई बहुत बरकरार आपकी रहेगी और काफ़ी अच्छा आपका इफेक्ट और रिजल्ट आएगा। तो ये वनीला फ्लेवर का केक है फ्रेंड्स, एज सच इसमें कोई फिलिंग नहीं डालते, चाहे तो चॉकलेट डाल दें, चोको चिप डाल दें, बट मैं चेरी की फिलिंग डाल देती हूँ या क्रश डाल देती हूँ, उससे टेस्ट अच्छा आता है। थोड़ा सा ही डालना है बट डालिएगा जरूर, इससे आपके जो कस्टमर है ना, उनको आपके केक का स्वाद जो है ना, वो डबल ट्रिबल हो करके मिलेगा। तो अब दूसरी लेयर मैंने रख दी है, फिर से इसे मॉइस्ट कर देंगे और यही प्रोसेस करते करते हम तीनों केक की लेयर को अरेंज कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने केक बनाया ना, इसको फादर्स डे के लिए बनाया, फिर जो दूसरा केक बनाया वो मेरा 400 ग्राम का था। एक और केक है, वो है चॉकलेट कॉफी फ्लेवर, जिसकी वीडियो अभी जल्दी अपलोड होगी, मतलब गजब का फ्लेवर आता है उसमें और अलग से ही थीम का वो केक है। मतलब फादर्स डे पर किसी ने रिक्वेस्ट किया कि भाई हमारे हस्बैंड को इसका शौक है, बच्चों की तरफ से एक्चुअली वो बनवा रही थी,
तो आप कुछ ऐसा बनाइएगा, तो वो भी एक गजब का थीम का केक है, फादर्स डे पर हो या पापा के बर्थडे पर हो या ऐसे ही बना सकते हैं, बहुत ही गजब की थीम है। और ये देखिए तीनों लेयर हमने कर लिए हैं अरेंज, और इसको कर लेते हैं स्प्रेड। और फ्रेंड्स अभी मैं आजकल इतनी बिजी चल रही हूँ कि मैं अपने डायरी चैनल पर भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा कोर्स आने वाला है 3 जुलाई से, बस उसकी क्लासेस में लगी हुई हूँ। और बहुत ही धमाकेदार सा मेरा वो कोर्स है, डिजाइनर एडवांस वाला, फीस उसकी 749 है केवल। वैसे डिटेल वीडियो अपलोड कर दिए चैनल पर, जो चाहें उसमें पार्ट लेना वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टेक्ट करके उसकी और डिटेल्स ले सकते हैं, या फिर अपनी एनरोलमेंट कर सकते हैं। जल्दी से कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि 3 जुलाई में कम ही समय बचा है और एनरोलमेंट इतनी फास्ट फास्ट हो रही है कि मुझे 2 बैचेस ऑलरेडी बनाने पड़ गए हैं, बट मैं तीसरा चौथा भी बनाऊंगी अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे तो। और यहाँ पर देखिए पाइपिंग बैग से मैंने क्रीम अच्छे से लगा दी है, और अब इसे स्पेचुला से कर लेंगे स्मच। और केवल स्टार नोजल भी है ना आपके पास, तो भी आज की डिजाइन आप बना सकते हैं। तो स्टार नोजल तो फ्रेंड्स आप बोलेंगे बहुत सारे आते हैं मैम, तो मैंने इस वीडियो में 46 नूर का जो होता है और 24 नोजल यूज किया है। मैं लास्ट में दोनों नोजल्स की पिक भी दे दूंगी, अभी जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे पाइपिंग बैग्स में पड़े हुए हैं, लास्ट में धो करके डाल दूंगी। बट पहले मुझे, मैंने बताया ना, आज ही वीडियो बनाई है, आज ही अपलोड करनी है, क्योंकि फादर्स डे पर अगर ये आपको नहीं मिली तो फिर इसका क्या फायदा होगा। तो बस झट झट करके कर रही हूँ। और ये देखिए हमारी केक की आइसिंग हो गई है, बस ज्यादा नहीं करूंगी, ब्रश से पैटर्न बनाना है क्योंकि इसके ऊपर मुझे। और अर्जेंटली आपको भी ऐसा कोई काम हो ना, तो ब्रश की मदद से आप काफी काम अपना बचा सकते हैं, इससे फिनिशिंग अच्छी लगती है, बल्कि प्लेन केक से ये ज्यादा अच्छे लगते हैं। टेक्सचर वाले केक आपने देखा होगा, प्लेन कपड़ा होगा और टेक्सचर वाला होगा तो ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर हो गया है ये अच्छे से रेडी, मैंने इसे बोर्ड पर शिफ्ट भी कर लिया। लगभग 8 इंची का मेरा बोर्ड है, 6 इंची का बर्तन मैंने यूज किया था। अब इसके ऊपर ना फ्रेंड्स मैं जो आज डेकोरेशन करने वाली हूँ उसमें मुझे लाइट ब्लू और नेवी ब्लू कलर चाहिए, स्काई ब्लू थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो उसकी क्रीम मैंने थोड़ी ज्यादा ली है और एक बाउल में थोड़ी कम क्रीम ली है, क्योंकि नेवी ब्लू का काम कम ही है। और इसे कर लेंगे मिक्स अच्छे से, कट एंड फोल्ड करके कीजिएगा, जोर जोर से हिलाएंगे तो क्रीम जो है सॉफ्ट होके मेल्ट होने लगेगी, आजकल गर्मियां वैसे ही पड़ रही हैं, तो कट एंड फोल्ड करके कीजिएगा। अगर लगता है कि कलर डालने के बाद क्रीम हो गई है काफी सॉफ्ट, तो 2 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए फ्रिज में इस बाउल को रख दीजिए और फिर अपना यूज कीजिए। तो मैंने अभी तुरंत फ्रिज में अपने बाउल्स रखे हैं, और तब तक मैं अपने केक के ऊपर ना थोड़ी मार्किंग कर लूंगी। तो आज फादर्स डे है, तो फ्रेंड्स फादर्स की जो यूनिफॉर्म होती है या जो भी वो पहनते हैं उसमें टाई सबसे ज्यादा मतलब कॉमन सी होती है, और इसका डिजाइनिंग हम अपने फादर्स के लिए बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, टूथपिक से ना एक टाई का ही मार्किंग इस पर कर लिया है, बट मेरा केक आधा केजी का था ना, और टाई काफी अच्छी होती है, बड़ी लगेगी दिखेगी, तो मैंने क्या किया उसको थोड़ा सा साइड में भी गिरा दिया है। और अब टूथपिक से तिरछे तिरछे निशान मार रही हूँ ताकि 2 अलग अलग कलर की स्ट्राइप मैं इस पर बना सकूँ। तो ये मैंने स्टार नोजल ले लिया है, और बस ये जो ब्लॉक्स हमने बनाए हैं ना इनके अंदर सफाई से हमें भरना है, कुछ भी फ्लावर आपको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करनी, ये नहीं करना है कि कहीं छूट गया तो दोबारा वहां बना दे, वो बिल्कुल नहीं करना, सीक्वेंस को फॉलो करना है, तब आप देखिएगा इसका रिजल्ट कितना बढ़िया आएगा। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे ब्लॉक्स है ना उनमें गैप में मैंने पहले ये स्काई ब्लू कलर के फ्लावर्स बना लेंगे, ये देखिए इस तरीके से लाइन के हिसाब से केवल 2 या 3 की लड़ी ही बन रही है, आप देख लीजिएगा आपका केक कितना बड़ा है उस हिसाब से बनाइएगा, और यकीन मानिए बनने के बाद बहुत अच्छा लगता है। अब मैंने जो गैप्स छोड़े थे ना वहां पर नेवी ब्लू कलर की क्रीम से कर देंगे, ये देखिए ऊपर तो केवल एक ही स्ट्राइप से काम हो गया और नीचे वाली में शायद 2 या 3 आ जाएंगी, तो बहुत ही आराम से कीजिएगा, जबरदस्ती कहीं भी कोई फ्लावर मत बनाइएगा, अदरवाइज सफाई आपकी बिल्कुल नहीं आएगी। और इस डिजाइन में जितना आप नीटनेस में काम करेंगे ना उतना ही केक आपका सुंदर लगेगा, भले ही सिंपल है बट अच्छा लगेगा। और यहाँ पर जो टाई के ऊपर का पार्ट होता है ना वो भी मैंने बना लिया है, थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ दी है क्योंकि बॉर्डर भी बनाऊंगी, तो अगर बॉर्डर में स्पेस लगा पूरा हो गया तो ठीक, नहीं तो टाई को और थोड़ा बड़ा कर देंगे। तो अब जो स्काई ब्लू कलर की क्रीम थी ना वही वाला सेम नोजल से लेकर आगे पीछे करके बना दिया है मैंने ये बॉर्डर, और स्पेस बची गया है तो नेवी ब्लू से अभी इसका थोड़ा और बॉर्डर मोटा कर देंगे टाई का, बट पहले इसको कर लेते हैं कंप्लीट। तो आप अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, जो भी आपके पापा को पसंद हो या जो आप बनाना चाहें, मैंने ये स्काई ब्लू और नेवी ब्लू लिया है क्योंकि मोस्टली ये जेंट्स का कलर माना जाता है और ब्लू कलर वगैरह जेंट्स ज्यादा पहनते हैं, हालांकि लड़कियां भी आजकल पहनती हैं, मैं तो खुद पहनती हूँ, मेरा तो फेवरेट कलर ही स्काई ब्लू पिंक ये सब है। चलिए अब हमने क्या किया है, ऊपर का काम तो कर दिया है, नीचे के बॉर्डर को बनाने के लिए ना जो ये दोनों शेड्स की क्रीम बच रही है ना उनको डाल रही हूँ मैं एक तीसरे पाइपिंग बैग में, जिसमें मैंने एक और स्टार का नोजल लगाया, थोड़ा बड़ा लगाया है, और दोनों ही क्रीम को डालने से ना दोनों शेड्स के फ्लावर आएंगे। बट यहाँ मेरी गलती हो गई, मैंने सोचा था कि मैं स्टार वाले फ्लावर बनाऊंगी, बट दिमाग से एकदम निकल गया और आगे पीछे करने वाला बॉर्डर बना दिया, जैसे ऊपर बना रही थी उसी फ्लो में, बट आप स्टार वाला भी बनाएंगे ना तो भी बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ जाते जाते मेरी क्रीम लास्ट में ना हल्की सी मेल्ट होने लगी थी, बट काम हो गया। और अब ना इस पर ब्लू और व्हाइट ज्यादा हो रहा था, और मेरे पास ना ये हार्ट्स थे, स्प्रिंकल हैं ये,
एडिबल हैं और ये मैंने मंगाए हैं फ्लेवरसम शॉप से। उनके पास अलग अलग वैरायटी है स्प्रिंकल्स की, आप चाहें तो मंगवा सकते हैं। स्क्रीन पर मैंने नंबर दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। जो भी चीज़ आप बेकिंग से रिलेटेड मंगवा सकते हैं, इनफैक्ट मंगवा सकते हैं। मैं तो अपना सारा ही सामान वहाँ से आजकल मंगवा रही हूँ, काफ़ी अच्छा आ रहा है। आप पोस्ट ऑफिस या जैसे भी चाहें कुरियर के थ्रू मंगवा सकते हैं, बढ़िया कंडीशन में मिलता है। छोटी पैकिंग, बड़ी पैकिंग, जैसे भी आप चाहें ले सकते हैं। यहाँ केक हो गया है फाइनली रेडी और लास्ट में मैं सिल्वर लस्टर डस्ट का इस पर कर रही हूँ स्प्रे। और फ्रेंड्स, फादर्स डे के एज सच मुझ पर कोई ऑर्डर ज्यादा नहीं आते थे और मैंने सोचा भी नहीं था इतने आएंगे, तो मैंने इसका कोई टॉपर भी नहीं मंगा के रखा, बट अब मंगवा के रखूंगी। तो अब बारी थी इसके ऊपर कुछ लगाने की, तो मेरे पास तो कोई टॉपर नहीं था। फिर मैंने अपने कस्टमर से पूछा कि मैं क्या करूँ, तो उन्होंने बोला आप हैप्पी फादर्स डे लिख दीजिएगा। तो मेरे पास चॉकलेट थी, मैंने उससे ही लिखा। अभी पहले वेट कर लेते हैं फ्रेंड्स, हालांकि ये वेट ओवर वेट हुआ है, ये देखिए, यानी क्योंकि ऊपर की कोई भी डोम शेप इसमें से रिमूव नहीं की, तो इसलिए कोई बात नहीं। 500 ग्राम के केक में इतना सा कभी कदार दे भी देते हैं, तो कोई बुराई नहीं है। मेरा पहला कस्टमर है, हो सकता है उसको देख के वो मुझसे इम्प्रेस हो जाए और भी ज़्यादा ऑर्डर दे। और यहाँ पर देखिए चॉकलेट गनाश है मेरे पाइपिंग बैग में और इसी से मैं लिख रही हूँ हैप्पी फादर्स डे, क्योंकि मेरे पास कोई टैग ही नहीं था। आप चाहें तो बना सकते हैं, बट मेरे पास टाइम कम था, तो मैंने ऐसे ही इसको डेकोरेट कर लिया। और लीजिए फाइनली हमारा फादर्स डे स्पेशल, ये जो नेक टाई वाला केक है वो रेडी है। और मेरे हाथ आप देख सकते हैं कैसे कलरफुल हो रहे हैं, क्योंकि इसके बाद तुरंत मुझे दूसरे और भी केक्स बनाने थे। फटाफट से मैंने किया इसे पैक। और हमारे यहाँ ना, जब फ्रेंड्स मैं ये केक बना रही थी, तब से सुबह से ही बारिश बहुत हो रही थी, तो कैसे तैसे मैंने इसे भेजा टाइमली। और इस तरीके से फ्रेंड्स ये मैंने ऑर्डर पूरा किया। तो अभी उस दिन मैंने और कौन कौन से केक बनाए थे वो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं। और ये आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नया सीखने के लिए। और फ्रेंड्स जो आज नोजल यूज किए ना, उनकी पिक मैंने साइड में दे दी है। सो बाय बाय, टेक केयर।